खरगोन जिले में कैदी की मौत के बाद सियासी संग्राम गर्मा गया है, जिसकी सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल द्वारा जांच की मांग की गई, जिसके अध्यक्ष और सदस्य बिस्टान के खेरकुंडी गांव पहुंचे। इस दौरान जांच कमेटी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इस्तीफे की मांग करके आरोप लगाया कि पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है। इसकी सीबीआई जांच करके मृतक के परिजनों को बंसौर नीमच की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए सहायता राशि देकर दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। कि उस व्यक्ति की मृत्यु पुलिस कस्टडी के अंदर हुई, लड़का उनका बोला 19-20 साल का कि मेरे पिता को मैं रोज रोटी देने जाता था, 4 दिन तक उसको रोटी खाने को नहीं दी, रोटी अब कितनी लग गई और मुझे खुद को कस्टडी में लेके वहाँ बिठा लिया, 2 झापड़ भी लगाए वहाँ पर थाने पर पुलिस वालों ने और सुबह से लेके शाम तक मेरे को बिठा के रखा। मेरे पिता चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मुझे खाना दे दो, उसके बाद भले ही मार लेना, लेकिन उसको बिना खाने के उसके बेचारा चला गया, मौत हो गई। मैडम, आपने सीबीआई जांच की मांग की है क्या? बिल्कुल, हम सब लोगों ने, क्योंकि हमको भरोसा नहीं है शिवराज मामा के शासन प्रशासन पे, तो हमने सीबीआई की मांग की है और इसके साथ ही मृतक परिवार को 1 करोड़ आर्थिक व्यवस्था शासन दे, उसके परिवार के एक बच्चे को नौकरी दे और जो भी शासन की योजना है उससे उसका लाभ दे, और इसके साथ ही जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है, जिनके कारण उस गरीब परिवार के व्यक्ति की कमाऊ पूंज की जो मृत्यु हुई है उसमें जो इन्वॉल्व है उसके ऊपर हत्या का कानून जो हमारे देश में है उसको लागू करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई। जेएसआर टाइम्स के लिए खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।